सोलन भाजपा द्वारा सोलन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता भाजपा नेता राजेश कश्यप ने की। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष मदन ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे। राजेश कश्यप ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि एक ओर जहां भारत के जवान सीमाओं की चौकसी करते हुए वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं, वहीं कांग्रेस के नेता उन्हें सेना के जवानों पर अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, जो सरासर गलत हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को इस पर भारत की जनता को जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लॉकडाउन के दौरान सोलन की जनता के बीच रही और उन्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने दी गई, लेकिन सोलन में कांग्रेस के नेता इस दौरान दिखाई नहीं दिए और लोग अपने चुने हुए प्रतिनिधि को खोजते रहे। सोलन भाजपा नेता राजेश कश्यप और मंडल अध्यक्ष मदन ठाकुर ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि हिमाचल में कांग्रेस के नेता नीरज भारती ने पहले पुलवामा और अब चाइना हमले को लेकर देश की सेना की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और अभद्र टिप्पणियां भी की, जिसका जवाब सोलन के विधायक धनीराम चांडिल को देना होगा, क्योंकि चांडिल खुद सेना का हिस्सा रह चुके हैं और इस तरह से उनके नेता द्वारा टिप्पणियां कर रहे हैं, जो एक शर्मनाक बात है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने लॉकडाउन के दौरान करीबन 1,30,000 मास्क बांटे और राशन की किटें और सैनिटाइजर वितरित किए, लेकिन इस दौरान सोलन के विधायक धनीराम चांडिल कहीं नजर नहीं आए। इसलिए भाजपा उनसे जानना चाहती है कि वे लॉकडाउन के समय में कहां गायब रहे और सोलन का जनप्रतिनिधि लोगों की मदद के लिए आगे क्यों नहीं आया। उन्होंने कहा कि प्रदेश और जिला की जनता कांग्रेस से सभी प्रश्नों का जवाब मांगेगी, कांग्रेस अब इन प्रश्नों से बच नहीं सकते। इस मौके पर सोलन भाजपा महामंत्री भरत साहनी, संजीव कुमार, सुंदर सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे। जहां लद्दाख में एक ओर भारतीय सेना लगातार चीनियों को खदेड़ने में लगी हुई है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता जो पूर्व में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहे हैं श्री नीरज भारती जी, वो भारतीय सेना और भारतीय सेना द्वारा की गई कार्रवाई को की आलोचना कर रहे हैं, जिसके कारण उनके खिलाफ जो एक FIR हुई और उसके पश्चात FIR होने के पश्चात उनको जो है अरेस्ट किया गया है। ऐसी घिनौनी हरकत करना ये बिल्कुल जो है भारत वर्ष में पूरे देश में जो है इसकी निंदा हुई है, हम भी इसकी निंदा करते हैं और कांग्रेस के सभी नेताओं से ये आग्रह करते हैं कि वो बताएं कि क्या ये कार्रवाई जो या जो उन्होंने भारतीय सेना की निंदा की है श्री नीरज भारती जी ने, क्या उचित है या अनुचित है। मैं खास तौर पर जो हमारे यहाँ के सांसद है सम्माननीय कर्नल धनीराम चांडिल जी, जो सेना में काफ़ी सारे अहदों पे पहले रह चुके हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर हुए, मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा कि नीरज भारती द्वारा जो सेना के खिलाफ और सेना द्वारा की गई कार्रवाई उस पर टिप्पणी करना क्या उचित है। श्री नीरज भारती जी पहले भी जब पुलवामा में हमारे एक काफ़ी बड़ा कन्वे जो है फौज का उस पर अटैक हुआ था, उस वक्त भी इन्होंने जो है फौज के खिलाफ काफ़ी अभद्र टिप्पणी की थी, तो क्योंकि ये मामला सब जुडिस है मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन नीरज भारती जी को एक पता होना चाहिए कि जब कोई भी सैनिक सेना ज्वाइन करता है तो उसका जो है पहले से ही जो है उनको एक डेथ वारंट पे साइन करने होते हैं, तो एक इस तरह की सर्विसेज है, ये कोई IAS IPS या हिमाचल प्रदेश सर्विसेज नहीं है। ऐसी सर्विसेज के ऊपर जहाँ पहले ही डेथ वारंट जवान ने साइन किया हो उस सेना पे इस तरह की जो उस सर्विसेज पे इस तरह की अभद्र टिप्पणी करना जो है मैं समझता हूँ ये बहुत ही जो है निंदनीय है। हिमाचल प्रदेश में सम्मान्य मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में कोरोना वैश्विक महामारी के इस संकट में मुख्यमंत्री जी ने अच्छा काम किया है और उनको केंद्र से शाबाशी भी मिली है और संगठन ने भी अच्छा काम किया है। मैं प्रेस वार्ता के माध्यम से मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और इस वैश्विक महामारी में सोलन मंडल भी पीछे नहीं रहा है, संकट की इस घड़ी में लोगों के साथ खड़ा था, लोगों की सूझबूझ, लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो इस दृष्टि से सोलन मंडल ने जनता के साथ मिलकर के जो है उनके दुख सुख को साझा किया है। और कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जुमला पार्टी जो कह रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि लॉकडाउन के दरमियान
और जब उसमें अमेंड हुआ, रिलैक्सेशन मिली, तो मैं यहाँ के स्थानीय विधायक से पूछना चाहता हूँ कि आपने कितने लोगों की सहायता की, कितने लोगों की सुध बुध ली, कितने लोगों के बीच में गए, कौन सी पंचायत में गए। जनता आपसे जवाब मांगेगी, आपको जवाब देना पड़ेगा।